करनाल जिला वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में दो लोग कोरोना पॉजिटिव भर्ती थे, उनकी दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आई है और आज उनको हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे दी गई है। कल्पना चावला स्टाफ ने तालियां बजाकर दोनों को रवाना किया है। गौरतलब है कि करनाल जिले में पहले 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, जिनमें से एक की मौत चंडीगढ़ पीजीआई में हो गई थी और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती 3 को कुछ दिन पहले डिस्चार्ज किया गया था। आज 2 बाकी कोरोना योद्धाओं को भी डिस्चार्ज कर उनके घर भेज दिया गया है। अब यह अपने घर में ही क्वारंटाइन किए जाएंगे। करनाल से देखिए एक विशेष रिपोर्ट। इसका नाम रविंदर है, ये कोरोना पॉजिटिव था, अब इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, बिल्कुल ठीक हो चुका है और अपने घर जा रहे हैं। क्या नाम है? रविंदर। इनकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है? हाँ, रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और जो दूसरे हैं? दूसरे हैं, एक और मीनू है, स्टाफ नर्स थी हमारी, इलाज की कम पॉजिटिव, उनके भी नेगेटिव आ गया, वो भी अपने घर जाएंगे। उनको भी आज घर छोड़ रहे हैं? हाँ। इनको काम लेके जा रहे हैं? रशीद, इनके घर पे काम में। अभी ठीक ठाक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी कितने दिन होम क्वारंटाइन में हैं? 14 दिन। काम में? हाँ। रशीद काम में? कुछ दिन पहले तक हमारे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में 5 कोविड पॉजिटिव पेशेंट एडमिटेड थे। कुछ दिन पहले हमने 3 मरीजों की, जिनके 2 टेस्ट नेगेटिव आए थे, उनको डिस्चार्ज कर दिया था। आज हमारे 2 मरीज जो बाकी बचे हुए थे, जो मीनू, एक जो हमारी स्टाफ नर्स थी, और एक रविंदर, उन दोनों का सेकंड टेस्ट भी नेगेटिव आया था, इसलिए उन दोनों को भी डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो अपने घर जा चुके हैं। सर, कहीं ना कहीं जो कल्पना चावला के डॉक्टर है, उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की है, कहीं ना कहीं उसका परिणाम सामने देखने को मिला है, डॉक्टरों को आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर्स और स्टाफ्स को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन लेके चलना चाहिए, पीपी पूरी पहन के, पूरी ग्लव्स डाल के, और पूरी सावधानी से सैंपल लेते वक्त, मरीज के एग्जामिनेशन वक्त उनको एहतियात बरतना चाहिए ताकि वो कोविड के शिकंजे में ना आए। सर, जो यहाँ से मरीज गए, अभी कितने दिन वो अपने घर में रहेंगे, क्या पूछेंगे? ये जो मरीज हमने भेजे हैं, अब इनको 14 डेज क्वारंटाइन करेंगे घर में, ये 14 दिन अपने घर में रहेंगे और 14 दिन के बाद इनका एक दोबारा टेस्ट किया जाएगा और वो भी यूजली इनका नेगेटिव आएगा और ये इनको होम क्वारंटाइन इसेंशियल है 2 वीक्स के लिए। और मैं करनाल वासियों को ये भी कहूँगा कि इस टाइम हमारे करनाल में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है, इससे हमें बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसा कि हम लोग अभी लॉकडाउन में हैं, तो हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, अननेसेसरीली हम लोग घर से बाहर ना निकलें, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और फ्रिक्वेंटली हाथ धोएं। इन्हीं सभी चीज़ों का अगर हम ध्यान से पालन करेंगे तो हमारे कोरोना से बचे रहेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.